हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि पाइथन में हम एरे को कैसे यूज कर सकते हैं। बात करें सी लैंग्वेज की या सी प्लस प्लस की, तो उसमें हम एरे यूज करते थे। और एरे क्या होता है? एरे एक जैसी चीजों का यानी सिमिलर चीजों का लगातार वे में कलेक्शन होता है, उसी को हम एरे कहते हैं। आइए देखते हैं कि पाइथन में इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाइथन की आईडीई मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप python.org से डायरेक्ट जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर हम फाइल चूज कर लेते हैं, यहां से न्यू फाइल पे आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर हमें वो प्रोग्राम लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं फ्रूट, फ्रूट नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने, इज इक्वल टू, अब यहां एरे बना रहा हूं मैं। अब इसमें तमाम फ्रूट के नाम, जैसे लिख दिया मैंने मैंगो कॉमा, अब यहां पर लिखता हूं बनाना, ये लिखा हमने, और ये डबल कोट्स में रहेगा। और बनाना लिखने के बाद यहां पर कॉमा देंगे और फिर यहां पर लिखेंगे हम एप्पल। तो ये तीन फ्रूट्स के नाम हमने लिख डाले हैं यहाँ पे, और ये तीनों जो है फ्रूट नाम के वेरिएबल में स्टोर है। और इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो चलिए नीचे आते हैं, एक और वेरिएबल मैं बना लेता हूं ए नाम से। अब ए में ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जिसको भी हमें एक्सेस करना है। देखिए एरे का जो बाय डिफॉल्ट एड्रेस है वो कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो ये हो जाएगा फ्रूट जीरो, क्योंकि फ्रूट नाम का वेरिएबल है, ये जीरो हो जाएगा, फिर ये वन हो जाएगा और ये फिर टू हो जाएगा। ऐसे हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए यहां पे क्या करता हूं मैं, मैंने ए नाम का एक और वेरिएबल बना लिया। अब इसको एक्सेस करना है तो ए नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने और यहाँ पे लिखा फ्रूट्स, ये फ्रूट लिखा हमने। और अब और यहां पर जीरो को अगर एक्सेस करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंगो आएगा। तो अगर हम इसको रन करवाएंगे, अच्छा ये बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ही बनेगा, स्मॉल ब्रैकेट ना बनाइएगा। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हमको सिंपली लिखना होता है प्रिंट, और जो वेरिएबल हमने बनाया है, जैसे ए नाम का वेरिएबल बनाया है तो ए यहाँ पे लिख दिया हमने बस। अब इस प्रोग्राम को सेव करना है हमको, तो यहां से करते हैं सेव इसको, फ्रूट .py लगाना जरूरी है क्योंकि ये पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है। अब इसको यहां से हम रन करवा सकते हैं। जैसे रन मॉड्यूल पे क्लिक किया हमने तो यहां देख सकते हैं मैंगो यहां पर आ रहा है। तो यानी कि अगर हमने जीरो को एक्सेस किया तो मैंगो आ रहा है। अच्छा चलिए इसको क्लोज करता हूं। अगर मान लीजिए यहां पे मैं वन लिखता हूं तो क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा बनाना। अब इसको सेव कर रहा हूं। अब देखिए इसको मैं फिर रन कर रहा हूं तो ये देखिए ये बनाना लिखा हुआ आ रहा है। तो एरे को इस प्रकार से हम पाइथन में भी एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अगर यहाँ पे टू लिखता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एप्पल आ जाएगा। यहां से इसको पहले सेव कर लेता हूं, फिर इसको F5 से रन करवा देता हूं। तो यहां देखिए एप्पल लिखा हुआ आ रहा है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। अब इसमें अगर आप कुछ चीजें बढ़ाते हो, जैसे मान लो यहां पे मैं लिखता हूं LEAMON लेमन, ओके, तो ये लेमन लिख दिया हमने। और फिर यहां लिखता हूं मैं पाइनएप्पल, तो ये जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको हम एक्सेस कर सकते हैं एरे का यूज करके। और आप तो जानते हैं कि सी लैंग्वेज में भी एरे की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पर भी एरे की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए कई सारी चीजें हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ टू को एक्सेस किया है मैंने, जो दो नंबर का फ्रूट है इसको एक्सेस करने के लिए मैंने क्या किया है। और अगर मान लीजिए आपको पाइनएप्पल को एक्सेस करना है तो यहां से जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी, तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये टू, ये थ्री, ये फोर, यानी आपको पाइनएप्पल को यहाँ पे एक्सेस करना है तो यहाँ पे फोर लिखना होगा आपको, और यहाँ पर पाइनएप्पल प्रिंट होकर आ जाएगा आपके पास। ये देखिए ये आ गया पाइनएप्पल। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं, अब बहुत ध्यान से समझिएगा इसको करना कैसे है। अब मान लीजिए फ्रूट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रूट, FRUIT फ्रूट लिखा हमने, ओके, पर फ्रूट जीरो को ले हैं तो यहाँ जीरो लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया, और इज इक्वल टू कोई एक इसमें हम ये कर देंगे, जैसे हम चाहते हैं इसमें और भी एक नाम ऐड करना, एक फ्रूट का नाम ऐड करना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा लीची, ये लिख दिया, तो ये लीची लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया
और अब हम आ जाएंगे कहां, लिखेंगे यहां इसको प्रिंट करवाएंगे, तो लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमने नाम दिया है वेरिएबल का, तो फ्रूट दे दिया हमने यहाँ पे, और फ्रूट जैसे ही देंगे हम, और इसको अब सेव करेंगे, यहां से करते हैं सेव, ये सेव कर दिया हमने, और यहां से अब रन करेंगे इसको, तो जैसे ही रन करेंगे तो ये सारी चीजें, ये देखिए इन सारी चीजों को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। ये लीची भी इसमें ऐड होकर आ गया है, ये देख सकते हैं आप, मैंगो हट चुका है और मैंगो के जगह क्या ऐड होकर आ रहा है, लीची, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट जीरो इज इक्वल टू हमने क्या किया, लीची कर दिया है, और हम फ्रूट को एक्सेस कर रहे हैं, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। अगर हम यहाँ पे फ्रूट जीरो इज इक्वल टू न करके फ्रूट वन इज इक्वल टू लीची करें तो मैंगो तो आएगा लेकिन यहां से बनाना हट जाएगा, ये देख सकते हैं आप। इसको मैं सेव करता हूं फिर दिखाता हूं आपको, ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे सेकंड वाला जो रन हुआ है प्रोग्राम हमारा, उसमें मैंगो तो आ रहा है लेकिन बनाना हट चुका है। इसी तरह से अगर हम यहां पर थ्री कर दें तो क्या होगा, तो मैंने बताया था आपको कि जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसको मैंने यहां से फिर रन करवाया फाइव प्रेस करके, तो ये देख सकते हैं इसमें मैंगो आ रहा है, बनाना आ रहा है, एप्पल आ रहा है, ठीक है, और लीची आ रहा है, ठीक है। तो एक दो तीन, और ये जो है चूंकि जीरो से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट एड्रेस, और यहां हमने थ्री लिखा है, तो ये जीरो, ये वन, ये टू और ये थ्री, थ्री नंबर पे जो कुछ भी होगा उसको हटा करके ये कुछ और दे देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी, और इसके लिए और भी वीडियोस मैं क्रिएट करूंगा। वीडियोस अच्छी लगे तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।